प्रॉपर्टी नंबर 22 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, मुझे याद आ रहा है ना। यस सर। अक्षत वर्मा, नमित, दोनों ध्यान से सुन लें, आप दोनों बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं, क्लास का एक सिस्टम सही नहीं कर रखा है, अगर एक बार में कहने से रिप्लाई नहीं करा तो तुरंत निकाल के क्लास से रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात। आप लोगों का कुछ नहीं है मेरे कहने के बाद। ठीक है भाई, अपनी ध्यान रखिएगा, लगातार बात करनी है। Yes, sir. So, property number 21 और 22 फिर से समझा दीजिए। देखो 21, 22 जैसी पांच प्रॉपर्टी है हमारे पास, सब में लेस देन ग्रेटर देन के लॉजिक है, मैं आगे लेके चल रहा हूँ, सब एक दूसरे मिलती जुलती है, कौन सी एग्जाम में कहाँ का यूज है पता नहीं चलता मेरा। ठीक है, ओके सर। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 23, इफ एम इज द least value global minimum and capital M is the greatest value global maximum भी कह सकते हैं इसको of the function fx on a comma b then n into b minus a less than equal to a to b fx dx less than equal to m into b minus a। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो डिविजन सिंप्लीफिकेशन की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक बता रहा है, तो अपनी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक तीसरा केस नहीं आ गया हमारे पास, ये बताओ। दो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी कर रखी है आपने। यस सर। और एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा, किस तरीके से करें, जिससे भी हो जाए बस हो जाए, कैसे भी हो जाए क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है ना, तो देखो उसके लिए सपोज हमने क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक 5 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये क्वेश्चन हमारे पास, हमें ये प्रूफ करना है कि 1 से लेके 6 अपॉन 5 तक इसकी वैल्यू आ रही है, 1 से लेके 6 अपॉन 5 तक इसकी वैल्यू मिल रही है। सर हां सर, प्लीज अक्षत को इन कर लीजिए। बेटा को अभी मैंने तो क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मेरी बात का रिप्लाई करोगे तो पढ़ोगे, तब भी रिप्लाई नहीं करा था, तो दोनों ने ये लोग रिप्लाई नहीं। अमित भी बोल रहा है इनको करने के लिए। हां मतलब कहने के बावजूद भी दोनों रिप्लाई नहीं करते हैं, चुप बैठे रहते हैं, पता नहीं चलता क्या कौन बोल रहा है क्या हो रहा है। हाँ तो ये बात अब करो बेटा। अब देखो जैसे इससे पहले मैंने दो प्रॉपर्टी लगाई, एक में आंसर पाई में आ रहा था, एक में आंसर लॉग में आ रहा था, तो उससे हमने ऑर्डर करा कि पाई लॉग के हिसाब से हमें टर्म वो जनरेट करनी पड़ेगी जिसकी इंप्लीकेशन है पाई लॉग आ जाए। अब देखो यहाँ टोटली आंसर न्यूमेरिकल डिजिट आ रहा है ना, तो अब सिंपली आ जाते हैं देखो पर करते हैं डिफरेंशिएट इसको, जीरो के बराबर मैक्स है मेरे पास, डिफरेंशिएट करो जीरो के इक्वल आपको डबल डिफरेंशिएट करो, करो अप्लाई देखो सारी चीजें निकालो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बेटा शुरू करो। आपने बाहर क्यों निकाला था? इसलिए निकाला था कि मैंने कहा मुझसे बात किया करो, तब भी बात क्यों नहीं करते हो? सर कर तो रहे थे सर, आपने कहा था आगे से बात करना, फिर आपने बाहर निकाल दिया। दोबारा निकाल लो नोट करके दिखा दे। अरे सर बोल तो रहा हूं, करता रहता हूं। करो डिफरेंशिएट करो जीरो के इक्वल आपको एक सिंगल टाइम कैन पे मुझे रिप्लाई चाहिए आप लोगों को, 10 बार नहीं कहना पड़ेगा मुझे कि मतलब आवाज आई है नहीं बताओ बताओ बताओ, सिंगल अटैक ओवर हां सर ये समझना है दोबारा करना जो भी कोई बात है। ओके सर, सर एक बार बता तो दीजिए।
अब ये बता रहे, देखिए जैसे हमारे पास दो प्रॉपर्टी हमने पहले करी थी लेस देन ग्रेटर देन वाली कि कौन सा इंटर इंटीग्रेशन किस रेंज में लाई जा रहा है, तो इसके एक लॉजिक नहीं है, ऐसे चार या पांच मेथड है हमारे पास, दो प्लेन की किसी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी, अरे भी किसी इंटीग्रेशन की या किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, क्या कर सकते हो आप, डिफरेंशिएट कर सकते हो, उससे मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो, अरिथमेटिक मीन की तरह ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हो, उसका ग्राफ बना के देख सकते हो, बोलो, या फिर इससे पहले जब दो मेथड का हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, किसी भी तरीके से हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे इंटीग्रेशन में आ सकता है, तो उसी प्रॉपर्टी का हमारे पास उसी बात को ध्यान रखते हुए फंक्शन हमारे पास हम कह रहे हैं कि ये स्मॉल एंड मिनिमम वैल्यू और कैपिटल एंड मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मिनिमम मान इसके बीच में आएगा या मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, साथ में बी माइनस एक और लिया जाएगा, ये बात बताइए हम लोगों ने, तो जैसे ये क्वेश्चन आया हमने कहा कि क्वेश्चन दो ही सिंपल में भी बीच में आ रहा है, तो अब यहां पे इससे पहले क्वेश्चन करके हमने लॉग वाले भाई हमने देखा आंसर में लॉग आ रहा है, आंसर में पाई आ रहा है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लॉग यहां पे देखकर बनाने शुरू कर दिए, अब यहां पर अगर कोई चीज नहीं आएगा तो हिट ट्रैक करने लॉजिक नहीं लगेगी, तो हमने क्या किया सिंपल वाले लॉजिक पे आ जाओ, डिफरेंशिएट करो 0 के इक्वल को निकालो आंसर का, और आ जाती है देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, आंसर आ रहा है नहीं, ठीक है बोलो, यस सर, बाकी हम तुमसे ये पूछें तुम क्या बोले सर ये कैसे लिख दिया आपने, अरे तो सीधी सी बात है, ये जो हमारा फंक्शन है हम ये कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बीच में आ रहा है, यही बात तो कह रहे हैं हम लोग, तो जब हम इसको इस इंटरवल पर a टू b पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड वैल्यू निकालने के लिए तो बताओ क्या आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, इसके बाद यहां से ये बोलो नहीं आएगा, नहीं आया समझ में, यस सर आएगा, हम ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इस फंक्शन को अगर मैं a से b पे इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो इधर आएगा बेटा, बस का इंटीग्रेशन है x एक्सपेरिमेंट लगाऊंगा b - a स्मॉल a तो कांस्टेंट है, यस सर, तो इसलिए प्रॉपर्टी ज्यादा आ रही है हमारे पास, समझ आ रही है बारे आपके पास, ठीक है, यस सर, यस सर, जल्दी आंसर बनाइए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए टाइप के, इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई बाय 3 का साइन एक्स अपॉन एक्स डीएक्स लेस देन रूट 2 बाय 6 से लेकर रूट 3 बाय 8 तक, आइए भाई बनाइए इसका मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लीजिए, देखिए किस पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है, निकालिए इंटरवल, है कुछ याद हुआ बहुत नहीं है, देखो कुछ भी याद नहीं है, क्यों भाई अच्छा नहीं याद तुमको, तुम लोगों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो तुम मेडिकल में डाल देते हो निकाल के, क्यों तो सर आप नहीं याद है, नो सर क्यों अवनी, यस सर क्या था डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन इसका, क्यों भी अच्छा करना अक्षर,
बोलो यार बेटा, क्या कह रहे हो सर? देखा नहीं है, देखा नहीं है भी सर, याद नहीं आ रहा सर। सर याद नहीं आ रहा था लास्ट का। सर याद है, सर याद नहीं आ रहा था। अब तुमसे पूछा गया है एग्जाम में, एग्जाम में पूछा गया है बोले एबीसी की वैल्यू बताओ, और जबकि आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस टू दे रखा है, बताओ नहीं होगा क्या आंसर आगे बोलो। अब कितने लगेगी आंसर निकालने में? 2/3। 2/3 आंसर आ गया, सिंपल 2/3। अब देखो अभी तुम्हें डेफिनेटली कल पढ़ाया था हमने, क्वेश्चन आया है 1 से लेकर 2 था, मॉड ऑफ 2x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ 3x का dx, बताओ ये क्या चल रहा है, कैसे करोगे बता दीजिए इसमें। सर क्या लिखा है ये मॉड ऑफ? इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक 2x माइनस ग्रेटर इंटीजर 3x का मॉड, ये है हमारा क्वेश्चन हमारे पास, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी बताओ। या एक क्वेश्चन ये आया है, ये एरिया निकालो, बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा ये वाला एरिया बताओ। सर पहले वाले का आंसर जीरो है शायद। सर ये एरिया निकलेगा x स्क्वायर इक्वल टू y और y इक्वल टू 2x, बताओ ये के बन गया बराबर ना, ये के लाइन से निकल गया ये एरिया निकला सकते हो आप क्यों भाई? यस सर। आप लोग याद हो आपकी 11th के एनसीईआरटी में ये पैराबोला है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है, याद आ गया, जिसके वर्टेक्स यहां पर होता है, बोलो। यस सर। तो इसकी लेंथ ऑफ साइड भी आ रही है, लेंथ ऑफ साइड। यस सर। और लेंथ ऑफ साइड आती है इसकी 8a√3, तब जब पैराबोला y2 = 4ax है, अब यहां हमने पैराबोला दे दिया y2 = 8x, कह रहा है ये लेंथ बराबर नहीं है, 4a = 8a³ इसका नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल निकालना है x इक्वल टू 0 पर। आज स्कूल के देखो अभी तुम्हारा तो मॉडल पढ़ा हो, जो मैंने मॉडल दे रखा है एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव वाला, उसके एकेडमिक का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव की बात छोड़ो, एकेडमिक के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बोर्ड के हिसाब से दे रखे हैं उसके क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, अभी खोल के देखो। और जैसे देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है log 1 plus x upon x का इंटीग्रल डिवीजन का इंटरवल बताना है, बोलो कराया नहीं कराया? तुम भूल को तो एक बात रखी,
यस सर कराया है। तो फिर मेरे कहने का सेंस बार बार ये ही आता है कि जितने क्वेश्चन एकेडमिक में शो डेट वाले होते हैं नहीं। उनके आंसर बेटा हमारे दिमाग में याद रहने चाहिए, एग्जाम में निकालने का टाइम नहीं है उनको हमारे पास। अगर तुमको आंसर याद है तो तुम्हारा बेड़ा पार है बेटा कॉम्पिटिशन में, बना नहीं होगा जेब में बेड़ा पार। ठीक है यस सर। सर हर्ष को इन कर लीजिए। हाँ इस क्वेश्चन को निकालो जल्दी से, साइन एक्स अपॉन एक्स को बहुत जल्दी करो। कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आया, तो बेटा तुम्हें क्या बताओ एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेके एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, क्या क्या। अब न्यूमरेटर तो इसका हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसके लिए मैंने बताया था डिनोमिनेटर को अलग से वो फंक्शन मान के फ्रैक्शन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये बताया था बताओ। यस सर जल्दी से बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, ये सिंगल स्टेप का डिफरेंशिएशन है। माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स आएगा तो पाई बाई फोर से जो पाई बाई थ्री का इंटरवल दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यानी कि न्यूमरेटर हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यानी फाइनली लेस देन जीरो हो गया। तो फंक्शन क्या कर रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, बोलो, यानी पाई बाई फोर से इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऐसे ही है यानी कि ये पॉइंट हो गया पाई बाय 4 का, ये पॉइंट हो गया पाई बाय 3 का, इस्तेमाल नहीं करो यानी कि पाई बाय 4 का इसकी कैसी वैल्यू आएगी मैक्सिमम और पाई बाय 3 की कैसी वैल्यू आएगी मिनिमम, मिनिमम। तो यानी ये हो गया स्मॉल स्मॉल है, ये हो गया हमारे पास कैपिटल है, तो गांव वहां से जल्दी देखो आंसर आया नहीं आया देखो जल्दी करके। क्या हुआ कनिका नहीं कर पाए, हो गया सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा 230 और 4 निकालिए आंसर सिंपल वही वैसे हमने मार्क किया फुट लगाइए इसमें भी। अरे अभी फंक्शन दे रखा है f(x) √3 x³ f(x) √x का बराबर √x तो 0 आ गई x की वैल्यू, अरे 0 थोड़ी लानी है, 0 तो सेंटर वैल्यू के बीच में आएगी नहीं, ये देखो ना ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना ग्रेटर देन 0 सेंटर वैल्यू में हमेशा, यानी फंक्शन क्या कर गया कि इंक्रीज कर गया, यानी 1 पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी मिनिमम और 3 पे कैसी आएगी इसकी वैल्यू मैक्सिमम, तो बोर्ड में थोड़ी करके लिखा है सिर्फ इंटर वैल्यू लगा रहे आंसर निकाल के, नहीं आ रही आपके पास समझ में, तो नहीं आ रही भाई तुम्हें इसके तुम्हारे आंसर चाहिए तो ये तो चाहिए कि किस सेंटर वैल्यू में ये मिनिमम आ रहा है किस सेंटर वैल्यू में मैक्सिमम आ रहा है। अगर हमने ये जजमेंट ले लिया कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो हमें ये तो पता चल गया कि इससे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, भाई 1 से लेके 3 के बीच में तो कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो आंसर कभी नेगेटिव हो जाएगा, आंसर कैसा आएगा हमेशा बोलो नेगेटिव बस। तो जब फंक्शन इंक्रीज कर गया यानी ये इंटरवल 1 से लेके 3 तक का दे रखा है तो 1 पे कैसा आंसर आएगा मिनिमम और 3 पे कैसा आंसर आएगा अभी नहीं आई बात, अब आई समझ में नहीं आई, आ गई सर ठीक है, तो वैल्यू आपका 3 माइनस 1 एंड मिनिमम वैल्यू
बने हुए वाली क्वेश्चन से आएगी यहां पर 3004 यानी कि 2 आ जाएगी इनटू क्वेश्चन कैपिटल एम क्या है मैक्सिमम वैल्यू आ रही 3 पर 3 रखो 3 का 3 27 3 वो 30 आ जाएगा ये दिया आगे कितना हो गया देखो आगे ये 4 हो गया और ये 2 30 हो गया ये कुछ बना था आपको 4 से ये 2 30 तक ठीक है यस सर नेक्स्ट प्रोडक्ट और नेक्स्ट दिन में हम लोग उसका आगे क्वेश्चन करते हैं